आज मैं आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंस्टेंट डोसा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है, तो इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी आपके पास में मोटी बारीक जो भी हो आप वही ले सूजी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा डालेंगे हम इसमें, नॉर्मल गेहूं का आटा जिससे कि हम रोटी बनाते हैं, इससे अच्छी बाइंडिंग आएगी डोसा के अंदर। 1 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें बेसन, बेसन से भी अच्छा कलर और बाइंडिंग दोनों चीज़ें आएगी। 1 टीस्पून चीनी डालेंगे, चीनी से बढ़िया गोल्डन कलर आएगा डोसा के अंदर। ढक्कन लगाकर इसको हम पल्स मोड पर 1 मिनट के लिए रुक रुक कर चला लेंगे। तो यहाँ पर ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी चीज़ें मिक्स हो गई आपस में। तो इस मिक्सचर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसमें हम, 1 कप दही डालेंगे, जितनी हमने सूजी ली थी उतनी दही डालेंगे। तो यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। हाफ कप पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पानी एक साथ ना डालें, बस इस तरीके से मीडियम कंसिस्टेंसी का आपको ये बैटर बनाकर तैयार करना है, क्योंकि सूजी काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करती है। तो रेस्ट के बाद ये बैटर हमारा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा थिक हो जाएगा। तो ढककर हम इसे साइड में रख देंगे 1 घंटे के लिए। अब हम मसाला बनाना तैयार करते हैं। तो उसके लिए पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, राई डालेंगे, राई को चटकने देंगे। 1 टीस्पून उड़द दाल डालेंगे, 1 टीस्पून चना दाल। दालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर। हींग डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, करी पत्ता डालेंगे, 1 बड़े प्याज को स्लाइस में काट कर डालेंगे, हल्का ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसको चलाएंगे। 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना और आपस में अच्छे से बाइंड हो जाए सभी चीज़ें। यहाँ पर 4 बॉईल आलू हमने डाल दिए हैं, छोटे पीसेस में तोड़कर हमने इनको डाला है क्रश करके। अब मिक्स कर लेंगे सभी के साथ में आलू को भी, और बस 3-4 मिनट के लिए मसाला हम पका लेंगे। एंड में डालेंगे इसमें हम धनिया पत्ती। तो ये हमारा मज़ेदार मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब चटनी बनाने के लिए जार में डालेंगे बारीक कटा हुआ नारियल, 2 टेबलस्पून मूंगफली डालेंगे हम इसकी जगह पर, आप इसमें रोस्टेड चना दाल भी डाल सकते हैं। अदरक डालेंगे, दही डालेंगे 2 टेबलस्पून, थोड़ा पानी डाल देंगे, 2 हरी मिर्च, करी पत्ता डालेंगे, दही से क्रीमी टेक्सचर मिलेगा चटनी को। और अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे जिससे कि चटनी के अंदर एक ग्रीन कलर आएगा। नमक डालेंगे, ढक्कन लगाकर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर ही हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब तड़का तैयार करेंगे चटनी के लिए। 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, राई डालेंगे, हींग डालेंगे, तो राई को चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे उड़द दाल, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हींग हमने डाल दिया है, गैस को बंद कर देंगे, और 1 सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पर तड़का ये तैयार हमारे से हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे, ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं सीधा अपना डोसा बनाने के लिए। तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको हम टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। हल्का गर्म तवा है इस वक्त, थोड़ा पानी डालेंगे ताकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। और बस 1 चमचा भर के हम इसमें बैटर का डाल देंगे, इसको फैला देंगे।
तवे को मीडियम गर्म रखिए, ज़्यादा तेज़ तवे की आँच ना रखिए आप। तो बस डोसे को फैला देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर जैसे ही ऊपर की सतह ड्राई हो जाए, इस पर आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें, एक चम्मच के करीब ऑयल या बटर घी जो भी आप डालना चाहे। तो बस किनारों पर भी ब्रश से हल्का हम इस पर ऑयल लगा देंगे, किनारे छुटा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर ये गोल्डन कलर हमारा डोसा के ऊपर आ गया है, इसको पलट लेंगे और बहुत ही बढ़िया हमारा ये डोसा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया इसमें, एकदम गोल्डन कलर। तो बस ये हमारा एक डोसा तैयार हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी हमारा ये डोसा बना है। तो इसी तरीके से हम बाकी के डोसा भी बना लेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया हमारा डोसा बनकर तैयार हुआ है। तो उसी तरीके से सेम प्रोसेस से आपको दूसरा डोसा बनाना है। इस तरीके से पानी डाल लिए और बस बैटर को डालकर आप फैला दीजिए इस तरीके से। आँच को हल्का रखें। तो इसी तरीके से हम इस डोसे को फैला देंगे। जैसे ही ऊपर की सतह इसकी ड्राई हो जाएगी, इस पर भी हम इसी तरीके से ऑयल डाल देंगे। और बस जैसे गोल्डन कलर आ जाए, इसको भी पलट देंगे, इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये डोसा भी हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए ये भी बहुत बढ़िया कलर डोसा का आया है। तो इसको भी निकाल लेंगे। और दोनों डोसे, बाकी के डोसे भी हमारे सारे क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये डोसा मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हमारा ये डोसा बना है। तो बस धीमी आंच पर आप डोसा को सेके, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी आपका डोसा बनकर तैयार होगा। तो डोसा को आलू मसाला और कोकोनट चटनी के साथ में सर्व करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि साउथ इंडियन मसाला डोसा की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।